हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगा एसी करंट से रिलेटेड। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे वैसे वायर जोड़ते हैं, लेकिन आप उसकी ट्रिक को नहीं जानते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो झटका लगता है, तो ऐसा कुछ भी ना करें, वो तो गलत सलत दिखाते हैं। मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। जैसे ही हमने ये ऑन कर दिया, इसमें एसी करंट आना शुरू हो गया। अभी हम देख लेंगे कि किसमें एसी करंट आ रहा है। एसी करंट हमारा इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है। मतलब जो हमारे ट्रांसफार्मर से बिजली आती है ना, उसके अंदर एक ही लाइन होती है, एक तो फेज होता है जिसमें करंट नहीं होता है। जैसे इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें करंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें करंट है, इसको नहीं छू सकते। लेकिन आप इन दोनों को जोड़ देंगे, बिल्कुल बराबर से जोड़ना है, और जोड़ देंगे तो ऐसे करंट नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा भी छूटा रहा तो हमें करंट लग सकता है, ऐसे नहीं लगेगा, देख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं ऐसे ही, लेकिन ऐसे नहीं छूना चाहिए, ऐसे तो करंट आ सकता है क्योंकि हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है, देख रहे हैं। लेकिन इसमें नहीं है करंट, तो इसको छू सकते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कम्प्लीटली छू सकते हैं, फिर करंट नहीं आएगा हमें। मैं तो कहता हूँ ऐसा कुछ भी आप घर पे ना करें। ऐसी जानकारी खाली आई है तो आपको नॉलेज देने के लिए है कि ऐसे करंट नहीं आता है। वो लोग गलत सलत दिखा देते हैं कि करंट आता है, या हमारी बॉडी में ऐसा कुछ है जिससे हमें करंट नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिजली का एक रूल होता है, उससे फॉलो करते हैं वो लोग। जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, वो जानता ही है कि बिजली का रूल कैसे फॉलो किया जाता है। जिसमें इसमें करंट नहीं है और इसमें करंट है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो अप्लायंस ऑन हो जाएगा, ऐसे करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल ही हो गया है। ये एक खाली एक अर्थिंग हो गया, पूरी तरह से अर्थ हो गया, तो इसके अंदर करंट नहीं आएगा। लेकिन ये मेन लाइन है तो ऐसे करंट आएगा, हमारी बॉडी से नीचे जाने के लिए करंट आ सकता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।